आज से 100 साल पहले 21 फरवरी 1924 पंजाब में एक मोर्चा जैतों दा, इस नाम से बड़ा मशहूर एक मोर्चा निकाला गया था। इस मोर्चे को रोकने के लिए अंग्रेजों ने तमाम षड्यंत्र रचे। अलगाववादी बताया उन सिखों को, उनके रास्ते में कंटीले तार लगा दिए, पूरी फौज पुलिस सब तैनात कर दिया उनको रोकने के लिए, लेकिन वो आगे बढ़ते चले गए, गोलियां चलाई गई उन पर और सैकड़ों सिख उस मोर्चे में जो शामिल थे वो शहीद हुए। आज 100 साल बाद फिर से हम देख रहे हैं, ना केवल हमारे सिख किसानों को और किसानों को रोका जा रहा है दिल्ली के भीतर आने से, बल्कि उनको अपमानित किया जा रहा है, उनके खिलाफ तरह तरह के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, उनके बारे में सोशल मीडिया पे वाहियात बातें लिखी जा रही हैं। मोर्चा जैतों दा जब हुआ तो नेहरू जी से रहा नहीं गया, नेहरू जी ने उस तरफ कूच कर दिया, पंजाब की तरफ। उन्हें भी रोका गया, उन्हें गिरफ्तार किया गया, लेकिन नेहरू जी ने खुलकर सिख भाइयों का उस वक्त समर्थन किया, उनके सहयोग में वो खड़े रहे। आज एक ऐसे व्यक्ति प्रधानमंत्री हैं इस देश के जो मुकाबला तो नेहरू जी से करते हैं, हैं उनके पांव की धूल के बराबर भी नहीं, लेकिन मुकाबला करने की एक शौक है इनको, साहब नेहरू जी से भी ज्यादा बड़ा इनका नाम हो, वो नाम कमाना पड़ता है, उसको कमाने के लिए बड़ा दिल रखना पड़ता है। ऐसे जिस तरह से आप किसानों को रोक रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं, आपकी आईटी सेल जो उनके लिए कर रही है, इस तरह से आप बड़े नहीं बन सकते, इस तरह से तो आप बौने ही दिखोगे जो हो। तो अगर आपको अपने बौनेपन को कम करना है, खत्म करना है, नेहरू जी के तो आप भूल जाइए, सपना भी मत देखिए कि नेहरू जी का आप मुकाबला कर पाएंगे, लेकिन अपने बौनेपन को अगर आप थोड़ा ठीक करना चाहते हो, दुरुस्त करना चाहते हो, तो दिल बड़ा कीजिए, किसानों से मिलिए, उनको बदनाम करने की कोशिश मत कीजिए, उन पर कोई कहर मत बरपाइए पुलिस का, उससे कोई लाभ नहीं होगा, मिलिए उनसे, बात कीजिए। जय हिंद।